बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह आप हंसते मुस्कराते रहें। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब पर नसरावी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब्बास भाई आए ने अज उमर का पता लैन वास्ते, ते उमर इन्ना खुश आ कि मेरा कोई पता लैन वास्ते आया। ठीक है ना, बेटा उमर से पता लैन दा बंदा सी ना, को तो दिने तो कोई चीज रात नु बुखार हुंदा है। तुसी मेनू दो बार। अच्छा, इनु आज मैं ना हो कोई बाहर फरातरा के भी लेके आऊं ना। हां जी, उने मोल चल जाएगा बेस्ट। हां, अम्मी कहंदी सी मेनू दान नहीं करवा के लेके आना जदे जदे। भाई पता की है, तुसी मेनू पहला दसया हुंदा ना, अल्लाह जंतल सिर्फ के साडा बुजुर्ग फौत हो गया, ओ दम करके जना धागा, ओ सुबह ना पहला टाइम पा देना बच्चे दी नमाज पढ़ने। उमर ओ पाक में नमाज पढ़ना शुरू करना है, ते उनाल मस्जिद च दा दीवा जलना हुंदा सी, इत्थों के बैठ जा। अच्छा, हां जी, ते ओ ओना ओदा हदिया सी फिर मस्जिद दी दीवा जलना। अच्छा, रुपया नहीं लंदा सी ओ जड़े इस तरह दे बुजुर्ग हुंदे आ ना, उनों दा कम ठीक हुंदा। ओ वैसे ना कराने पाक ते हिसाब ना करदा सी अपना ना, दो जदा सी हिसाब तब दम गया सी ना, कराने पाक ते करदा सी, ते ओ नाल ना अपना हिसाब ना। मैं तो हां जी पढ़ पढ़ के कराने पाक दे सूरदा जी सी पढ़ सी, मेनू कन्फर्म नहीं पता हैगा कि ओ ना गठा ते गठा मारी जा बिल्कुल नाल कर गठ, पता नहीं कितने गठा मार सी, ए भी मेनू याद नहीं हैगा। ते ओ ना फिर धागा करे बहुत जोड़ा बच्चा सुत्ता होवे ना, सोचे मुंह मुंह पा देना ओ धागा च। अच्छा, मैं तुहानू एक गल दसा, असी तां इत्थे अपने मोहल्ले वाली मस्जिद वाले मौलवी कोलों ही इहनू फूक मरवा लेणी है। बेस्ट भी है, हां जी, काम पर हक है, हां जी, कोई हर्ज नहीं हैगा, दवाई दोपा भी करो नाल फूक मरवा जड़ा हर्ज नहीं। दवाई वगैरह दे दो, रात नु तो दवाई भी असर नहीं करदी, फिर इन्ना बुखार नहीं हो। तुसी भी कलाम हर अल्लाह दी बरकत, तुसी उस दम करा दो, थोड़ा बेहतर है। हां जी, कहंदा भी मेरा मामू अली ने भी पता लैन आना, हुण तां असी पते दे इंतजार च। हाँ जी, कल या परसों भी पता लैन आणगे। ठीक है ना, ते दस दियो उहनू, आसिया नू भी दस दियो। अच्छा, सारिया नू दस दियो। हाँ जी, बिलकुल तैयारियां कर लो ज्यादा, बड़ी शे ना मांगी, छोटी चीज मांगनी मामू कुछ कर देगा, बड़ी चीज नहीं करनी बेटा, पहले दस दे साग ता अपने मकान दी, कुछ भी नहीं लेना। नहीं नहीं, कोई चीज देवा के बैठो, क्योंकि मामू ने मकान का काम शुरू करने लगी। बड़ी चीज ना मांगी, आंटी आंदी पई है। ठीक है, ठीक है, पता की है ओदी नसीब ओदे ना। हां, बच्चियां दी बच्चियां ना, क्योंकि ओसी नसीब चल गया। हां जी, ओदी अपनी जगह, बच्चियां दी अपनी जगह, बहन बहन दी अपनी जगह, हर रिश्ते दी अपनी जगह है। बिल्कुल, उस तो बाद पता है कि मैं शुरू कर लगा मकान का काम, फिर पता है मिस्त्री ला लो घर, फिर वो निकालने पर ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਟਾ ਹੋ ਜਾ ਕਲੀਅਰ। ਬਸ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। हां जी बिल्कुल, खुशी दे नाल मैं माइये भी से के ओहो टप्पे भी जेड़ा ना सिख रिया। चलो ठीक है, फिर तुसी शुरू करियो ना, हाँ, ते मैं अपने चैनल ते असी वीडियो बना के अपने बहन बहन नाल दिखा लांगे। उमर नु भी आंदा एक टप्पा। उमर केड़ा टप्पा आंदा तेनू? ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਕਿਤਾ ਮਾਮੂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਸ ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕਾਂ ਆ ਦਿਓ ਮਾਮਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਬਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਬੂਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਟੀਵੀ ਚ ਅੱਜ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ।
चलो जी ठीक है बस भाई, तुसी जाके काम करना वा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हां जी, क्योंकि जवेद ने बस नाल काम नहीं करना, फिर इन्हें जाके मैं जा करना, क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है। अल्लाह खैर करे, अद्धे घंटे में घर पहुंच जाना है। तो जाके आप इंशाल्लाह जी खैर हो, फिर इतना जाके ना फोन कर दियो। हां भाई, मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, मेनू इजाजत दो। होना अल्लाह हाफिज़। ओके, फिर बाद में मामू जावे, बोदा पता ले लिया है ते हुन तू मामू ना काम करवा दे। ठीक हो गए। चलो ठीक हो गए मेरा सुन। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। चलो ठीक है जी, आज मैं बनाऊंगा सब्ज़ी की क्यारी, और अब जाता हूं बाज़ार, वहां से जाकर बीज लेके आता हूं। मैं उमर घर पे रहेगा, तो यहां पे इस जगह पे जो है ना अब सब्ज़ी लगाएंगे, और ये जो जगह है इस जगह पे मैं लहसुन लगाऊंगा। तो ये लहसुन मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इस जगह पे धनिया, पालक, मेथी और शलजम और मूली, ये चीज़ें मैं लगाता हूँ। नहीं नहीं, गाजर नहीं लड़ने। यहाँ से मैंने ये बीज लिए हैं। हाँ जी, ये है मूली। अच्छा, ये है धनिया। अच्छा, और ये है पालक। अच्छा, और ये है मेथी जी, और ये है आलू और छलिया। अच्छा अच्छा जी, पहली दफा उमर ने ये सारे बीज देखे हैं, और फर्स्ट टाइम, अच्छा फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ देखा है। अब जब हम लगाएंगे ना, सिर्फ आलू और छलिया और मैं धनिया देखा है। मैंने देखा नहीं, आपने नहीं ना देखा। आप अब लगाएंगे घर में क्यारी लगाएंगे, तो तब जाके ये सब कुछ लगेंगे भी तो हैं, घर में भी पड़ा है। अच्छा, लहसुन भी लगाना है ना। लहसुन तो घर में है, लहसुन भी लगाएंगे तो अच्छा। भी मेरा तो खजूरों को ना, अच्छा भी मेरा तो तीन चार दिन हो गए मुझे ये वाली खजूर खाने को दिल कर रहा था। चलो खजूर ला के, सही है। बस सही है, आपने रोटी तो नहीं खानी। रोटी नहीं खानी, बस सही है। मैंने भी नहीं खानी, मुझे तो मना है। मना है, मैंने वैसे नहीं खाने। आप और अदर क्या खाओगे? बस हमने भी नहीं खानी। नहीं है, मुझे तो, मैंने तो खानी है। छोटा सा सालन बनाते हैं, बस ऐसे ही करें कि कोई अंडा प्याज कर लें या आलू अंडा कर लें। आलू अंडा आगे पर है। मैंने भी आटा भी गूंदना है, मैं आटा गूंद लूं। आटा जी, बीज तो मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन दुकान वाले भाई ने ये मुझे नसीहत की है कि 10 दिन ठहर जाएं, अगर ये गर्मी की वजह से ना उगे या उग के सड़ गए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, चलो रहने देते हैं 10 दिन। कौन सा पानी की बारी है, आज नहीं लगाएंगे तो अगली बार लगाएंगे तो लेट हो जाएगा। सही है, हमने तो मोटर चला के पानी लगाना है। बास भाई कह रहा था हमारी तरफ ये सारे बीज वगैरह लग के हमने वीडियो बनानी है, फिर ना कहें कि हमने पहले बना दी। ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहा था कि अगर आपने वीडियो बनानी है तो आप बना लें। ये ना फिर कहना कि हमने पहले वीडियो बना दी। अच्छा जी, बैठे गपशप लगा रहे थे, तो अभी अभी जो है वो फरमाइश आ गई कि आप इस तरह करें कि जूस बना के दें। मैंने कहा चलें जी आप जूस बनाते हैं, देखते हैं कि आज जो है ना वो, सॉरी जूस हम ना अक्सर जो जिसे खाते पीते हैं ना जूस ही कह देते हैं। अच्छा, मिल्क शेक होता है तो हम मिल्क शेक बनाएंगे। अब अब्बास भाई आते हुए केले ख़रीद के लेके आए थे बच्चों के लिए, के बच्चे केले खाएंगे, तो अब केले बहुत ज़्यादा हैं तो हमने फैसला किया कि अब जूस बनाते हैं। तो सेब और केले, इनका दोनों का मिल्क शेक बनाएंगे, तो फिर अब बना के हम बैठ के पियेंगे। सभी आज मैंने सिर्फ अंडा प्याज बनाया, इसी तरह कहीं हम बनाते हैं खड़ा खड़ा प्याज, बहुत ज़्यादा भुले हुए प्याज हमें पसंद नहीं, लाइट सी मिर्च डाली है सिर्फ। अदन के पप्पा ने और अदन ने रोटी खानी है, इस वजह से ये मैंने अंडा प्याज बना लिया है। तो अभी ने दो रोटियां बना के देती हूँ, बाहर मगरब की अजानें हो रही हैं, पहले नमाज़ पढ़ूँगी बाद में इनको रोटी बना के दूँगी। तो चलें अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये सभी चीज़ें जो है ना वो मैं इस जग में डाल दी हैं,
दूध, सेब, केला। और इस वक्त मगरब की अजान हो रही है, तो चले जी ये बाद में जूस बनाते हैं। सबसे पहले नमाज मगरब अदा करते हैं, उसके बाद फिर जूस बनाएंगे। इस वक्त हमारे पास इस वक्त जो टाइम हुआ वो मगरब का टाइम हो गया है। चल बेटा ठहर जाए, हम जो है ना वो नमाज़ अदा करने के बाद फिर चारपाइयाँ खुद ठीक करते हैं। आप ना ऐसे करो। चले जी ठीक है, बस मैं भी वजू करता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ। मगरब की नमाज़ अदा कर ली है, अब बनाते हैं जूस और फिर हम बैठ के पियेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।